आज मैं आप लोगों को ईगल के बारे में बताने वाला हूँ। ईगल का अपनी प्रजाति में सबसे लंबा जीवन काल होता है। यह 70 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन इस उम्र तक पहुँचने के लिए बाज को बहुत कठिन निर्णय लेना होता है। अपने 40वें वर्ष में बाज के लंबे और लचीले पंजे अब भोजन के रूप में काम आने वाले शिकार नहीं पकड़ सकते। इसकी लंबी और नुकीली चोंच मुड़ी हुई हो जाती है। इसके पुराने और भारी पंख मोटे पंखों के कारण इसकी छाती से चिपक जाते हैं और उड़ना मुश्किल कर देते हैं। फिर चील के पास केवल दो विकल्प बचते हैं, मरना या परिवर्तन की एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना। यह प्रक्रिया 150 दिन यानी 5 महीने तक चलती है। इस प्रक्रिया में बाज को पहाड़ की चोटी पर उड़कर अपने घोंसले पर बैठना पड़ता है। वहां चील अपनी एक चोंच चट्टान से तब तक टकराती है जब तक वह उसे उखाड़ नहीं लेती। फिर बाज नई चोंच को दोबारा उगने का इंतजार करता है, जिसके बाद वह अपने पंजे निकाल लेगा। जब बाज के पंजे वापस बड़े हो जाते हैं तो वह अपने पुराने पंखों को नोचना शुरू कर देता है और इसके बाद बाज पूर्ण जन की अपनी प्रसिद्धि उड़ान लेता है और 30 वर्षों तक जीवित रहता है। सो गाइस, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।